सो हाई एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एचपीएससी की आपकी वैकेंसी आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा और किस तरह से आपको तैयारी करनी है। अगर आप भी हरियाणा में एचपीएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आपको तैयारी करनी है। देखिए, जितना जल्दी हो सकता है अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और नोटिफिकेशन आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दीजिए। और आज मैं आपके सामने एक अनाउंसमेंट लेकर आया हूँ, हम एचपीएससी के रिगार्डिंग इस बैच को हम शुरू करने वाले हैं। तो हरियाणा में जो एचपीएससी के थ्रू जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होनी है उसके लिए आपका प्री एग्ज़ाम लिया जाएगा। अभी सब्जेक्टिव के बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें इस प्री एग्ज़ाम की जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होने वाला है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, तो इन्होंने जिस तरीके से पोस्ट दी गई थी, जैसे 3600 या 3800 के आसपास जो है वो पोस्ट बताई गई थी, उसमें से 610 जो पोस्ट है वो हमारी इंग्लिश लिटरेचर की थी। जो इंग्लिश की वैकेंसी है वो 610 के आसपास थी और हो सकता है, क्या पता, 3000 के आसपास वैकेंसी ना आए तो कम हो सकता है। तो इसमें हम मान सकते हैं कि ये हमारी जो वैकेंसी है वो 350 के आसपास वैकेंसी आएंगी। अब देखिए, प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी क्यों है? अगर आपको आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है तो प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो 4 या 5 गुना लोगों को जो प्री एग्ज़ाम है उसमें बुलाएंगे। तो ये 1500 के आसपास जो स्टूडेंट्स जो हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। और एप्लीकेशन जो है वो कितनी जा सकती है, ये चांसेस हैं कि आपकी 10000 के आसपास जो है वो वैकेंसी 10000 के आसपास एप्लीकेशन जा सकती है। तो मतलब फॉर्म भरे जाएंगे 10000 के आसपास, उसमें से 1500 बच्चे जो हैं वो पास होंगे जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे, अगर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है तो। तो मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि आपके ये जो 8500 यानी कि 8500 जो स्टूडेंट हैं वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्री एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए इसी की अनाउंसमेंट करने के लिए मैं आज यहाँ पे आया था। इस वीडियो को बनाने का पर्पज जो है वो इस बैच की जो टाइमिंग है वो हम शुरू कर रहे हैं 20 तारीख से। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और किस शोर से आपको पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ना है, वो सारी बातें हम करेंगे। तो हम 20th of February से हम शुरू करेंगे, 20th of February, जिसमें आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। और स्टडी मटेरियल मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले करना क्या है, ये जो करियर वे ऐप है ये आपको डाउनलोड करनी है। प्ले स्टोर पर आपको ये ऐप मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उससे पहले आपको 2-3 डेमो क्लासेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उसके बाद 19 तारीख से, मंडे से, हम रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एचपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ये जो क्लासेज है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ स्टडी मटेरियल की, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने एचपीएससी के लिए स्पेशल जो स्टडी मटेरियल है वो तैयार किया है, जिसमें हमारा जो सिलेबस रहेगा यानी कि जो हरियाणा में जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें से 90% जो पेपर है वो आपका सब्जेक्ट का रहेगा, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर से आने वाला है, जिनकी हमने ये बुकलेट्स तैयार की है। और जो 10% है वो आपका आने वाला है इंडियन एस्थेटिक्स और जो हमारा हरियाणवी फोक लिटरेचर है, हरियाणवी आर्ट और कल्चर की बात है, उसमें हमारा 10% जो है क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन वहाँ से आने वाले हैं। तो इसकी स्पेशल क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी, राइट। और ये 90% जो सिलेबस है वो यहाँ पे आपकी जो बुकलेट आपको आपके सामने दिख रही है, जैसे फर्स्ट जो बुकलेट है हमारी ब्रिटिश लिटरेचर, और जिसमें वर्ल्ड लिटरेचर है पूरा, ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, जर्मन, जैपनीज, रशियन, ये सारे जो वर्ल्ड का लिटरेचर है वो हमने इस बुक में डाला है। उसके बाद जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी वाली यूनिट है वो इस बुकलेट में आपको मिलेगी। और बाकी जो यूनिट्स हैं, ये 4 यूनिट्स जो थोड़ी सी कम इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ कम है, तो ये एक बुकलेट में डाला है। और उसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट समरी रहेगी आपकी,
जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है वो समरी है, आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और इसके अलावा जो आपका रिवीजन के पर्पज से आपको जिस बुक को पढ़ना है, द हिडन ट्रेजर एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स, इसमें आपको मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे इस एग्जाम को क्रैक करने में, राइट। तो ये स्टडी मटेरियल जो है, ये इनकी हार्ड कॉपी आपको दी जाएगी, ये स्टडी मटेरियल आपके घर पे जो है वो डिलीवर किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, इस स्टडी मटेरियल को मंगवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपनी क्वेरी कर सकते हैं, या आप अपनी क्वेरी जो है वो व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं, हम आपको कॉल करेंगे और ये स्टडी मटेरियल जो है वो आपके घर पे भेज देंगे। तो हम 20 तारीख से, मंगलवार से हम क्लासेस जो है वो शुरू कर देंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो HPSC के एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं इस एग्जाम के लिए, इस प्री एग्जाम के लिए, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लें, करियर वे, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा और जो नंबर है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो HPSC के रिगार्डिंग कोई भी जो अपडेट आती है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। और अब आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही, क्लास में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।